शाजी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती हेयर रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको यूज़ करते ही आपको लगेगा कि आप किसी अच्छे सैलून में गई हैं। तो अगर आपको ये देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं अपना प्रोडक्ट लेकर आ गई हूँ, वो है ये वाटिका का हेयर स्टाइलिंग क्रीम है, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगी। एंड देखिए, मैंने अभी शावर लेना था, तो उससे पहले मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए जो मैं अपने हेयर पर अप्लाई करती हूँ। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ इससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। कम से कम एक दो घंटे के लिए तो बहुत ही अच्छे आपके हेयर्स हो सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली कहीं जाना है तो आप सैलून नहीं जा सकती हैं, तो आपके हेयर्स में आ जाएगा वॉल्यूम, आपके हेयर्स हो जाएंगे थोड़े से स्ट्रेट एंड उनमें आ जाएगी थोड़ी सी शाइनिंग। तो अगर बिना पैसे ज़ाया किए, हज़ारों रुपए ज़ाया करने से पहले आप ये सोचें कि अगर कुछ पैसों में आपको बेनिफिट मिल सकता है तो क्यों नहीं। तो चलें वीडियो में शुरू कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने आज शावर लेना है तो मैंने अपने हेयर्स को ओपन नहीं किया है। अब देखिए मेरे हेयर्स हैं, ये मैं आपको अप्लाई करना बता रही हूँ कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। पहले आप अपने हेयर्स को अच्छी तरह से कोम कर लीजिए, ठीक है। कोई भी टैन आपके हेयर्स में नहीं होना चाहिए। अगर आपके हेयर में टैन है, सॉरी, अगर आपके हेयर में टैन है तो फिर देखिए, फिर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको करना कैसे। आपने एक साइड में आपने पार्टीशंस कर लेनी है, हेयर्स की पार्टीशंस कर ली, ठीक है। और ये देखिए, फिर आपके पास बॉटल होनी चाहिए पानी की, स्प्रे वाली। देखिए इससे इसको थोड़ा सा ये वाला, देखिए हेयर स्प्रे कर लीजिए अपने हेयर्स में हल्का हल्का सा, इसे इसको हल्का हल्का स्वेट कर लीजिए। देखिए ये देखिए, और मैं आपको इसके साथ, मैं आपको शावर के बाद मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी पूरा शेयर करूँगी, रिजल्ट भी दिखाऊँगी। देखिए ये देखिए, मैंने हल्के हल्के अपने हेयर स्वेट कर लिए हैं, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, अच्छा इसके बाद आपको कोई भी कंडीशनर या कोई भी ऐसा शैम्पू या कोई ऐसी चीज़ लगानी नहीं है जो आप शैम्पू यूज़ करते हैं। एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होगी, मेरे कोई बात नहीं, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो देखिए ये इस तरह आपने हाथ में लेनी है, और ये देखिए आपने इसमें हाथ में लेकर इसको आपने इस तरह करना है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हेयर क्रीम है, इस तरह ही लेनी है, इसी क्वांटिटी में लेनी, थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये नहीं आपने इतनी सी लगाई है फिर आप कमेंट में बोलेंगे कि यार हमारा तो वो रिज़ल्ट नहीं आया। अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो इसके लिए क्रीम भी आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देखें ये देखिए, ये यहाँ से आपने हेयर्स को एंड ऐसे, मैं आपको सिर्फ करके भी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं खुद करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंड ये वाला तो मेरा जो है ये फेवरेट है, वाटिका का हेयर क्रीम का प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको वो देता है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद हम लोग ये वाले साइड के भी कर लेते हैं। एंड इसी तरह मैं पूरे बाल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि देखें किस तरह आपने करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे बालों में अच्छी तरह से लगा ली है, ठीक है। एंड इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी जब आप उसको हेयर को वॉश करेंगे। तो देखिए अगर आपके बालों में जो है वो वेव्स आ रहे हैं तो वेव्स भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपके हेयर्स में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है तो 1 आवर 2 आवर 3 आवर, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में जाने के लिए आपको इंस्टेंटली अपने हेयर को खूबसूरत दिखाना है, तो आप ये वाली जो है वाटिका की हेयर क्रीम जो है यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड इसमें बहुत सारी आती हैं, मुझे ये वाली पसंद है तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको अगर आप ये वाली यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। एंड आप देखिए इसको मैंने लगा लिया, ये आपके हेयर के अंदर ड्राई हो जाएगी, ये देखिए आपके हेयर के अंदर ड्राई हो जाएगी। आप इसको बना रखिए, उसके बाद आप इसको शावर लीजिए, क्योंकि जो मैं शावर लूँगी तो फिर मैं इसको वॉश करने के बाद, देखिए इस तरह आपने लगा ली, फिर आपने इस तरह से आपने हेयर अपने वो कर लिए, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहती हैं तो मैं कहूँगी कि आप इस तरह इनको खुला भी रख सकती हैं कि अगर आपको नहीं बांधने, लेकिन अगर आप इनको बांध दें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए आप इस तरह कर लीजिए, क्लच लगा लीजिए पीछे हेयर करके, ठीक है, इस तरह कर लीजिए। एंड इसको 1 आवर तक रखिए, मैं 1 आवर तक इसको रखूँगी, फिर मैं शावर लूँगी, शावर लेने के बाद मैं आपसे इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी, ठीक है। देखिए ये आफ्टर शैम्पू है मेरे बाल, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये कितने हेल्दी लग रहे हैं, इनमें कितना वॉल्यूम लग रहा है, एंड आपको ये स्ट्रेट भी लग रहे होंगे। तो बाकी डिटेल मैं आप लोगों को मैं हेयर दिखाने के बाद बता कि मैंने आप लोगों को उस टाइम आफ्टर शैम्पू दिखाया था। अब देखिए मेरे हेयर मुकम्मल तौर पे, देखिए मेरे हेयर जो है वो ड्राई हो गए हैं।
एंड आप लोग देखिए इनमें वॉल्यूम देखिए, इनमें चमक देखिए, इनमें जो है वो स्ट्रेटनेस देखिए, ये देखिए कितने सीधे हो रहे हैं, कितने स्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक है। फोम भी जो है इनमें नहीं अटक रहा है, देखिए पूरे अच्छे से उगा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। फिर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बात करना चाहती थी, एक तो मैंने आपको लोगों को उस टाइम वीडियो बना रही थी तो मैं उसमें भूल गई थी आपको ये बताना कि आपने जो है स्कल में नहीं लगाना है, इसको स्कल में इसको एप्लीकेशन इसकी नहीं करनी है, आपने इसकी रूट्स में जो है बिल्कुल नहीं लगाना है, आपने इसके टिप्स पे लगाना है, ठीक है। टिप्स पे लगाना है एंड आप हेयर्स को गीला ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। गीला किए बगैर आप इसको नहीं लगाएंगे, वरना अगर आपने ऐसे ही लगा लिए तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हैं एंड जो रिज़ल्ट इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट लाती हूँ मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बिल्कुल मेरी फैमिली है मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मैं उनके साथ कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट मैं जब भी यूज़ करती हूँ तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी शैम्पूज़ होते हैं या जितनी भी क्रीम्स होती हैं ज़्यादा उनके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो इस्तेमाल हो चुकी होती है, वो होती नहीं है उसमें। एंड आप इसको भी देख लीजिए, करीब से देख लीजिए, ये भी ख़त्म होने वाली ही है। तो मैं वही प्रोडक्ट आपको बताऊँगी जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, और इसका जो है मेरे पास एक्सपीरियंस तकरीबन 2 साल का है, 2-3 साल से मैं इसको इस्तेमाल करी। जब भी मुझे कहीं पार्टी में जाना होता है या मुझे लगता है मेरे हेयर ड्राई हो रहे हैं और मैं उनको ऑयलिंग नहीं कर सकती, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऑयलिंग करना नहीं चाहते हैं और जिनको ऑयलिंग पसंद नहीं है और उनको होता है कि यार ऑयलिंग से थोड़े से हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड इसके बाद आपके बालों में से खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इनमें टैन नहीं आएगा। अगर आपने पार्टी के लिए आपने ये जा रहे हैं, आप कहीं पार्टी पर जा रहे हैं तो आप 1 घंटे पहले ये कीजिए और उसके बाद बालों को बांधिए मत। बाल अगर आप बांधेंगे तो नहीं लगेगा, अगर आप बाल नहीं बांधेंगे तो आपको लगेगा कि आप सैलून से होकर आएँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी, अच्छी लगी होगी। डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, डिटेल में बनाई है ताकि किसी को भी कोई भी डाउट्स ना रहें कि क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 1 लाइक 1 सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, बाय।